तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। शहर ज्यादा से ज्यादा सुंदर रहे और सुव्यवस्थित रहे इसको नजर रखते हुए जो अभी हमारे आयुक्त महोदय के द्वारा हमें निर्देश प्रदान किए गए हैं, तो इसके तहत हम कई चीज़ों पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं। जैसे पॉलीथीन की थैली के यूज़ पे हम पाबंदी कर रहे हैं और उसके अलावा भी कई चीज़ों पे हम पाबंदी करेंगे। इसमें आयुक्त महोदय ने निर्देश दिए हैं कि जो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने हैं और जो जगह जगह जब अपने ये कागज़ चिपका देते हैं, सरकारी जो हमारी दीवारें होती है उन पर कागज़ चिपका देते हैं या बिजली के खंभे या बिजली की जो पेटियाँ हैं उन पर कागज़ चिपका देते हैं, तो ये चिपका करके जो एक तरीके से इसका जो एक जो सुंदरता का स्वरूप बिगाड़ रहे हैं। तो इसके तहत राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में संपत्ति विरूपण के तहत इनके विरुद्ध कार्रवाई भी परिषद है और साथ ही पूर्व में भी हमने नगर निगम के द्वारा संपत्ति विरूपण के तहत इनके जो नंबरिंग लिखे हुए हैं, इनके जो कोचिंग नंबर हैं उनसे लेकर के मोबाइल नंबर से इनको संपर्क करके फोटो खींच के उन पर इनको कोर्ट में भी हम चालान पेश करेंगे, FIR लॉन्च कराएंगे इनके विरुद्ध और साथ ही इन संपत्तियों को सीज करेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इन सभी ऐसे कोचिंग जो संस्थान है उन्हें मैं सबको कहना चाहूँगा कि वो आप जो विज्ञापन आपका करना है वो जो बैनर्स लगा के विज्ञापन कर लें, जहाँ नियमित रूप से जो होर्डिंग्स या सेंक्शन है वहाँ जाके इसका विज्ञापन कर लें और इस तरीके की दीवारों को बेहुदा ना करें, बेरंग ना करें। तो अगर ये आप फिर भी करते हैं तो इनके आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या उद्देश्य है इस कार्रवाई का? एक शहर स्वच्छ रहे, सुंदर रहे। आप देखिए जगह जगह जहाँ आप लेट जो शौचालय हैं, शौचालय में कागज़ चिपकाए दिए जाते हैं, कहाँ कहाँ दीवारें हैं जहाँ कहाँ पे आपके मॉडर्न ब्रिज का है और वहाँ कागज़ चिपका दिए जाते हैं, बिजली के खंभों पे चिपका दिए जाते हैं, तो जो भी शहर की सुंदरता तो इससे नष्ट हो रही है। और इसी को देखते हुए राजस्थान नगर पालिका एक्ट में प्रावधान किया गया था कि संपत्ति विरूपण यानी जो संपत्ति का स्वरूप बिगाड़ रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई, तो हम उसके विरुद्ध ये कार्रवाई करें। एक बार आप